ये जो आपने पैंट शर्ट कुर्ता पजामा वगैरह पहन रखा है, इसकी जगह पे सुबह थोड़ा सा भगत का भेष बनाना, भगत जी का भेष। हमारे सनातन में भगत जी का भी भेष होता है, साधु का भेष होता है, सन्यासी का भेष होता है, वकील का भेष है, पुलिस का भेष है, तापस भेष विशेष उदासी, चौदह बरस राम बनवासी। भेष का, वस्त्र का बहुत ही जीवन पर प्रभाव पड़ता है, भोजन का बहुत प्रभाव पड़ता है जीवन पे, संग का बहुत प्रभाव पड़ता है, मित्रों का बहुत प्रभाव पड़ता है, और प्रकृति का, इसका भी जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए अपने अगल बगल अच्छी प्रकृति रखो, अपने अगल बगल अच्छे लोग रखो, अच्छे लोग अगल बगल, यानी कि ऐसी जगह घर बनाओ जहां अड़ोस पड़ोस के लोग भजन वाले हों, पूजा पाठ वाले हों, घंटी आरती वाले हों, ऐसे लोग अगल बगल हों, ऐसे लोग घर की दीवार से दीवार ऐसे लोगों की अगर है कि जिसमें रोजाना तड़का लगता हो, तड़का, काय का तड़का है, दाल का तड़का, सब्जी में तड़का रोज लगे, ऐसा पड़ोस तो अच्छा है, पर जो दूसरा तड़का है, अच्छा बड़ी मुश्किल हो जाती है। आपके घर में कोई महात्मा जी आए, गुरु जी आए, आपके घर में हवन हो रहा है और पड़ोसी के घर में छोटे छोटे बकरे के पीस कुकर में सीटी मार रहे हैं, आपकी खिड़की में से सुगंध जा रही है, उनकी खिड़की में से गंध आ रही है, एक्सीडेंट हो रहा है अच्छाई और बुराई में, तो उससे क्या होता है, उपद्रव पैदा होता है पड़ोस में, उपद्रव, और उस उपद्रव की वजह से पूरी कॉलोनी में अशांति छा जाती है, अशांति। अच्छा अब सोचिए, अगर कॉलोनी में 1000 घर हैं, उसमें से 800 घर मांस खाने वाले हैं, 800, और 200 घर शाकाहारी हैं, तो फिर बहुत कठिन है उस मोहल्ले में, उस कॉलोनी में प्यार जताना, मोहब्बत जताना, इकट्ठे होना और शांति से रहना बहुत दुर्लभ है। कैसे दुर्लभ है, सुनिए, ऐसे दुर्लभ है, कभी कभी किचन में सब्जी दाल छौंकते समय कभी कभी तेल धोखे से ज़्यादा गर्म हो जाता है, अगर उसमें हम छौंक मारते हैं तो उसमें से धांस निकलती है, तो छौंकने वाली माताएं बड़ी खांसी हो जाती है उनको, और बहुत छींक आती हैं, बहुत खांसी आती है, और नाक टपकने लगती है, कुकर बंद करना पड़ता है, गैस बंद करनी पड़ती है, खिड़कियां खोलनी पड़ती हैं, बाहर घूमने जाना पड़ता है, तब सांस लेने को जी करता है, ऐसे घबरा जाते हैं, थोड़ा सा तड़का कड़क हो जाए तो। अब आप कल्पना ये करो कि थोड़ा सा गलती हो गई छोंक लगाने में, इतने में इतना व्याकुलता हो गई है, और 800 घरों में जो अंडा छुक रहा है, मांस छुक रहा है, उसकी वजह से कितनी व्याकुलता वायुमंडल में पैदा हो जाएगी, उससे हमारे बच्चे कितने नालायक हो जाएंगे, उससे आने वाला भविष्य कितना खतरनाक हो जाएगा, उससे हमारी बुद्धि कितनी लड़ाकू अशांत हो जाएगी, उससे हमारे देवता कितने रूस जाएंगे, उससे भगवान श्री कृष्ण और राम अपने अपने धाम चले जाएंगे, हमारे घर को शैतानों का घर बना जाएंगे, हमारा घर खोखला हो जाएगा। अच्छा बताइए, सवाल का जवाब देना, शरीर कितना सुंदर हो, अगर उस शरीर में से आत्मा निकल जाए तो उसकी सुंदरता को अचानक क्या हो जाता है, है? इतना सुंदर आदमी, कोई भी कन्या अति सुंदर, और उसकी डेथ हो जाए, मरने के 1 घंटे के बाद वो डरावनी हो जाती है, कोई भी पुरुष अति सुंदर
मृत्यु के एक घंटे बाद वो डरावना हो जाता है। आज तक मरे हुए आदमी के पास अकेला एक आदमी कभी रुक नहीं पाया। अच्छा बोलो, पति पत्नी 10 साल से एक बिस्तर पर एक थाली में खाते पीते, इतने लड़हते, इतने लाड़ वाले, इतने प्यार वाले हैं, और उनके बारे में मोहल्ले में चर्चा कि ये कभी अलग नहीं रहते, एक साथ ही रहते हैं, इतना लाड़ है, इतना प्यार है, पर मर जाने पर, एक मौत होने पर एक आदमी जो साथी है वो अकेला उसके पास रह नहीं सकता है। उस मरे हुए आदमी में से डर बाहर आता, डर निकलता है, उसका तेज खत्म हो जाता है, ऐश्वर्य खत्म हो जाता है, उसकी कीर्ति मिट जाती है, उसके अंदर से जो भजन है, वो ध्यान है, वो आत्मा में चला जाता है, मन के साथ चला जाता है, तो वो पिंजड़ा खाली पड़ा रह जाता है। फिर वो भयानक लगता है, भयंकर लगता है। कैसे भयंकर लगता है, एक और उदाहरण देता हूँ। आप कभी अपनी बेटी का विवाह करना और उसे घर से विदा करना, उसके बाद घर खाने को दौड़ता है। आप अपने घर में 7 दिन किसी महापुरुष को, किसी दिव्य पुरुष को, किसी महात्मा को रखो, उनकी सेवा करो और 7वें दिन फिर उन्हें विदा करो, फिर घर तुम्हारा रोएगा और घर खाने को दौड़ेगा। ऐसे शरीर भी जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर खाने को दौड़ता है और सबको रुलाता है, परेशान करता है और सबको डराता है, थका देता है। इसलिए मेरी निजी कल्पना है आपके लिए, मरने के बाद में कौन क्या करेगा हमारे लिए हमें नहीं पता, पर हमें मरने से पहले अपनी मृत्यु को अच्छा करना चाहिए। हमें नहीं पता, आप सब जानते हैं, अगर हम घर के सभी लोग आज ताला डाल के 4 दिन के लिए कहीं जा रहे हैं, तो आप सबको पता है कि हम क्या क्या करके जाते हैं घर में। हम घर में सबसे पहले करके जाते हैं कि सामान को व्यवस्थित करते हैं, किचन में डिब्बे के ढक्कन लगाते हैं, फ्रिज को खाली करते हैं, और सब बल्ब ऑन हो रहे थे उन्हें ऑफ करते हैं, सब कुछ व्यवस्थित कर देते हैं। 4 दिन बाद आएंगे घर से, बच्चे सहित जा रहे हैं, बस यही सीखना है। घर से जब अगर हम जा रहे हैं तो सब कुछ व्यवस्थित करके जाते हैं, जैसा था वैसा मिले, ऐसा ही ये शरीर है, ये घर है हमारा। हमारा मतलब हम आत्मा हैं, हमारा ये शरीर घर है। जब इस शरीर से हम कुछ दिन के लिए कहीं जाएं तो इसमें सारी चीजों को व्यवस्थित करके जाएं, दोबारा इसमें आएं तो वो चीजें ज्यों की त्यों हमें व्यवस्थित मिलें। आप अगर चाहते हैं कि एसी होना, आप चाहते हैं नौकर होना, आप चाहते हैं गाड़ी होना, आप चाहते हैं सम्मान होना, आप चाहते हैं बैलेंस होना, आप चाहते हैं प्रतिष्ठा होना, आप चाहते हैं आनंद होना, आप चाहते हैं गांव में शहर में नाम होना, तो ये सब चीज़ अगर आपको होना तो आप इन्हें कमाओ, और इन्हें कमा कर ऐसा के ऐसे छोड़ के, शरीर छोड़ के जाओ, और फिर दोबारा भी तुमको ये चाहिए तो यही मिलेगा, पर इसको व्यवस्थित करके जाओ, इसमें कोई दाग मत लगाओ, इसे पड़ा मत छोड़ जाओ, जिससे बार बार ये तुम्हें प्राप्त हो जाए। जो अपने संसार को यूं पड़ा छोड़ जाते हैं उनको ये संसार दोबारा नहीं मिलता, उन्हें दूसरे दूसरे शरीरों में जाना पड़ता है।